सब्सक्राइब कीजिए कुक विद ऐन को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सबसे पहले नोटिफाई होने के लिए सिंपल होममेड रेसिपीज के लिए। हेलो फ्रेंड्स, कुक विद ऐन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा। गाजर का हलवा सबका बहुत ही पसंदीदा स्वीट डिश है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम गाजर ले ली है, उसे मैंने ग्रेट कर लिया है। 1/4 कप कंडेंस्ड मिल्क, 3 टेबलस्पून शक्कर, 100 ml दूध, 1.5 टेबलस्पून घी, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, 1 टेबलस्पून खसखस, ड्राई फ्रूट ले लिए मैंने थोड़े, काजू, बादाम और किशमिश। एक कढ़ाई ले लेंगे और उसे मीडियम फ्लेम पे गरम कर देंगे। अब उसमें हम घी डाल देंगे और उसे अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। घी के मेल्ट होते ही हम इसमें ग्रेटेड गाजर डाल देंगे। गाजर को हम घी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये गाजर अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इसे हम 15 से 20 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे और फिर छोड़ देंगे। दो मिनट बाद हम इसे फिर से चला लेंगे ताकि ये नीचे चिपके नहीं। इसी प्रोसेस के साथ हम इस गाजर को 15 से 20 मिनट तक भून लेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, अब हमने गाजर को अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम दूध डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसे 5 से 7 मिनट तक इसी तरह अच्छे से पका लेंगे। आप देख सकते हैं ये दूध अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे इलायची पाउडर, कंडेंस्ड मिल्क और शक्कर। अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इस रेसिपी में होममेड कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल किया है। अगर आप इसे बनाना चाहें तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हम इसे 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, काजू, बादाम, किशमिश और खसखस। खसखस से इस हलवे का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम ढक के 5 से 10 मिनट तक पका लेंगे। 10 मिनट बाद हम पैन का ढक्कन खोल देंगे और इस हलवे को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हलवा तैयार हो चुका है, हम इसे एक बोल में निकाल देंगे। गाजर का हलवा बनके तैयार है, बहुत ही स्वादिष्ट बना है। हम इसे थोड़े और ड्राई फ्रूट से सजा लेंगे। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।